गेहूं के आखिरी समय में भी आप अपने खेत की उपज 2, 3, 4 क्विंटल तक आप कैसे बढ़ा सकते हैं, आज हम इस वीडियो में यही बात करने वाले हैं। और हाँ, साथ में इसमें ऐसी क्या चीज डाली जाए जिससे कि जो गेहूं के जो दाने हैं वो चमकीले हों और बहुत भरे हुए दाने आपको नजर आए, तो आज हम इस वीडियो में सारी चर्चा करने वाले हैं और आपको इसके लिए क्या करना होगा आज हम इस वीडियो में आगे सारी आपको बताने वाले हैं। तो चलिए, मेरा नाम है आकाश राणा और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल किसान विज्ञान। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो किसान साथियों, सबसे पहले आपको एक बात का अवश्य ध्यान रखना होगा, जैसे कि जो गेहूं की जो लास्ट अवस्था है, यानी कि जब दूध उसमें जब गेहूं मिल्किंग स्टेज पे, मतलब कि जब उसमें दूध पड़ना स्टार्ट हो जाता है, तब आपको एक विशेष बात का आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि उसमें जो खेत में जो जो नमी है वो बरकरार रहनी चाहिए, जिससे कि जो गेहूं की जो स्टेज है, मिल्किंग की जो स्टेज होती है गेहूं में, मतलब कि जब दूध पड़ने की जो स्टेज है उसमें किसान साथियों सबसे ज़्यादा जो नमी है उसको पर्याप्त रहना खेत में बहुत आवश्यक है, क्योंकि किसान साथियों नमी में जो पौधा है वो उसको सारे न्यूट्रिशन खेत से मिलने वाले हैं। और हाँ किसान साथियों, साथ में जो फ्लैग पत्ता, यानी कि जो पौधे का जो झंडा पत्ता है उसको भी स्वस्थ रहने की बहुत आवश्यकता है, क्योंकि किसान साथियों होता क्या है, जो गेहूं का जो झंडा पत्ता है उसको जो सूर्य है, यानी कि जो किरणें आती हैं उसके ऊपर जो फोटोसिंथेसिस की जो प्रक्रिया है वो झंडा पौधा ही पौधे को खाना बना के देता है, जिसमें जो पौधे का खाना बनाने की जो प्रक्रिया है वो फोटोसिंथेसिस के थ्रू ही पौधे को मिलती है, तो उसका स्वस्थ रहना भी बहुत जरूरी है। तो किसान साथियों, सबसे पहले आपको अपने खेत में जो नमी है उसका विशेष ध्यान रखना है, क्योंकि उस टाइम पे जो नमी नहीं रखोगे तो किसान साथियों होता क्या है, जो पौधा है वो 7 से 8 10 दिन के अंदर ही जो सारा दाना है उसको बना देता है, जिसके कारण खेत की जो दाना है वो बहुत कमजोर रह देखने को आपको मिलने वाला है, जिसकी वजह से खेत में जो उपज है वो भी कम होगी और आपको झाड़ में बहुत ज़्यादा फर्क दिखने वाला है। इसी के साथ जो आप इसमें जो नमी की मात्रा है ठीक रखेंगे, साथ साथ जो पौधे को जितनी नमी चाहिए उसके हिसाब से आप उसमें पानी देते रहोगे, तो किसान साथियों देखने को मिलेगा कि जो आपका दाना है वो कम से कम 20 से 22 दिन में वो बन के तैयार होएगा, जिससे कि जो उसमें जो दाना है वो वजन भी देगा और जो दाना है उसका साइज भी मोटा और चमकीला आपको दिखने वाला है। तो किसान साथियों सबसे विशेष बात यही है कि आपको ये ध्यान रखना है कि उसमें खेत में नमी होना आवश्यक है। और किसान साथियों दूसरी बात, जैसे फरवरी महीना और लास्ट और मार्च की स्टार्टिंग में ये प्रक्रिया शुरू होती है, जिससे कि किसान साथियों आपको देखने को मिलेगा उस वक्त जो धूप है, जो दिन का टेम्परेचर है वो बढ़ना शुरू हो जाता है और हीट इफेक्ट जो गेहूं के ऊपर पड़ता है उसका बहुत असर आपकी उपज में पड़ने वाला है। तो किसान साथियों आपको इसका भी विशेष ध्यान रखना है कि इसमें जो हीट प्रभाव है, जो हीट टेम्परेचर, जो गेहूं के ऊपर हीट प्रभाव पड़ने वाला है उसको भी आपको अपने गेहूं को फसल को बचाना है, तो उसको उसके लिए आपको अपने गेहूं के अंदर 0050 यानी कि 0050 NP के जो आता है उसकी आपको 1 किलो पर 1 एकड़ के हिसाब से आपको उसकी स्प्रे करवानी है, क्योंकि किसान साथियों जो NP के 0050 है वो गेहूं के अंदर जो हीट इफेक्ट है उसको रोकने के लिए बड़ा ही अच्छा आपको रिजल्ट देखने को मिलने वाला है, तो उसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और हाँ किसान साथियों, ये 0050 है जो उसकी फोटोसिंथेसिस की जो प्रक्रिया है उसको भी ये बढ़ाता है, उसको तेज करता है और जो दाना है उसको भरने में भी बहुत मददगार ये होने वाला है, तो आप इसकी स्प्रे 0050 की स्प्रे अवश्य करवाएं, आपको बहुत अच्छा रिजल्ट इसमें आपको देखने को मिलने वाला है, तो आप इसका विशेषकर ध्यान रखें। तो आप इसका विशेषकर ध्यान रखोगे तो आपको जो उपज है आपको 2 से 3 या 4 क्विंटल तक आपको उपज में फर्क लगने वाला है, तो 2, 3, 4 क्विंटल तक आपकी उपज बढ़ने वाली है, तो आपको इसका विशेष ध्यान आपको रखना है। और हाँ साथ में आपको इस दूध अवस्था में, यानी कि जो मिल्किंग स्टेज होती है गेहूं की, जिसमें दूध पड़ना शुरू हो जाता है, उसमें आपको स्प्रे भी आपको इंसेक्टिसाइड का बहुत जरूरी है, क्योंकि किसान साथियों जो रस चूसक जो कीट हैं इस टाइम बहुत ज़्यादा सक्रिय गेहूं के अंदर देखने को मिलते हैं, तो आपको इसमें इंसेक्टिसाइड यानी कि कीटनाशक की भी स्प्रे आपको अवश्य करानी चाहिए, जिससे कि आपको अच्छा रिजल्ट आपको मिल सके। इसके लिए आप थायमेथेक्सन 25% WEG 100 ग्राम पर 1 एकड़ के हिसाब से आप करवा सकते हैं, तो आपको रिजल्ट बहुत अच्छा देखने को मिलने वाला है। तो किसान साथियों कुछ ये टिप्स थी आपको दी है मैंने जो आपको उपज बढ़ाने में बहुत मददगार है, तो आप इसका विशेष करके ध्यान रखना अपने खेत में जरूरी है। तो